हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केंजो होम EDP के बारे में। इससे पहले हमने केंजो होम EDT इंटेंस का रिव्यू किया था, तो आज जानेंगे कि केंजो होम EDP कैसा है, ये हमारे लिए है नहीं है, किस सीज़न में आप वेयर कर सकते हैं, तो सबकी बातें करेंगे। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, केंजो होम EDP 2022 का लॉन्च है और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं उनका नाम है क्विंटन बिश। दोस्तों, क्विंटन बिश मेरे वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूमर हैं। उनके काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं मेरे पास, जिनका रिव्यू मैं इस चैनल पे मैं आगे करूँगा। कुछ एक का मैंने ऑलरेडी किया है, जैसे केंजो होम EDT इंटेंस, वो भी क्विंटन बिश ने ही बनाया था। दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं इसके बॉक्स के डिज़ाइन से। तो इसका बॉक्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। यहाँ पर 110 ml की क्वांटिटी है, यहाँ पे एक केंजो होम EDP मेंशन है और ये एक बैम्बू सा कुछ बना है, कुछ इसी की आपको याद दिलाता है, एक बैम्बू शूट्स की आपको याद दिलाएगा। यहाँ पर कुछ मेंशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है इनके एनवायरनमेंट से कमिटमेंट के लिए, जो भी ये कुछ करते हैं। केंजो परफ्यूम इस committed to contributing to a more beautiful world. Our bottle is made of 15% recycled glass and its glass weight has been reduced by 23%. Our cap has been designed to reduce its plastic consumption by 34%. The corrugated paper is made from craft cardboard and the outer box from sustainably sourced paper printed with bio-based inks. So, काफी अच्छा लगता है दोस्तों कि जो कुछ कंपनीज़ है एनवायरनमेंट के बारे में सोचती है। यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो केमिकल सारा अपना नदी में नालों में ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं बिना प्रोसेस किए, तो अच्छा लगता है कि कुछ कंपनीज़ इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक सिंपलिस्टिक बॉक्स है, सिंपलिस्टिक सा डिज़ाइन है। पैकेजिंग सपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट्री, तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन है। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, मेड इन फ्रांस, और यहाँ पर बैच कोड भी मेंशन है, 2G01 इसका यहाँ पर बैच कोड है, और यहाँ पर वॉल्यूम का है, और इधर कुछ इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। कुछ इस तरह का इसका एक बॉक्स का डिज़ाइन है। इसके इंटीरियर को अगर आप देखना चाहेंगे तो इस तरह का कुछ यहाँ मेंशन किया है, केंजो यहाँ मेंशन है। इसका इंटीरियर कुछ इस तरह का है, तो यहाँ भी देखिए थिंक रिसाइकलिंग, तो अच्छी बात है दोस्तों, कंपनीज रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज़ करती है। बॉटल डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर केंजो मेंशन्ड है और एक बैम्बू के शेप का एक बॉटल है, काफ़ी अच्छा मुझे लगता है इसका डिज़ाइन। और आप यहाँ देखेंगे केंजो होम EDP 110 ml मेड इन फ्रांस, कुछ इस तरह का मेंशन है। और इसके एटोमाइज़र को अगर आप चेक करें तो EDT इंटेंस से काफ़ी मिलता जुलता है, अच्छा थ्रो है। EDT इंटेंस के एटोमाइज़र का भी अच्छा थ्रो था, इसका भी अच्छा है। दोस्तों, बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। तो इसका जो सेंट प्रोफाइल है आपको मिलेगा मरीन, इसमें आपको अर्दी पचूली का एक नोट मिलेगा, एक लेदर का नोट मिलेगा। अभी जैसे मैंने स्प्रे किया, मुझे लेदर का और सॉल्टी नोट मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लगा, और इस ये थोड़ा सा एनिमेलिक है लेदर की वजह से, थोड़ा सा ये इसमें आपको स्पाइसीनेस हल्का मिलेगा, एक हिंट ऑफ स्पाइसीनेस आपको मिलेगा, और थोड़ा सा ये आपको बैल्जामिक नेचर का है। दोस्तों, इसके अगर नोट्स के ब्रेकडाउन की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ 3 नोट्स का मेंशन किया है। उन्होंने टॉप में 3 नोट्स मेंशन किया है, जैसा कि मैं फ्रेग्रेंटिका पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और मिडिल नोट्स में लेदर का मेंशन किया है, और बेस नोट्स में पचूली का मेंशन किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मुझे लगता है कि कंपनी ने काफ़ी कुछ यहाँ से ओमिट किया है, हटाया है, आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टॉप में एक फिग यानी कि अंजीर का एक प्रोमिनेंट नोट मिलता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वही जो नोट है अंजीर का मुझे EDT इंटेंस में भी मिला था और यहाँ भी मुझे मिलता है। और बेस में मुझे एक एलिमेंट है एकी गलावुड,
एक ही गला वुड दोस्तों जीवुदान कंपनी ने बनाया था, एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है जो कि तीन तरह के नोट्स को डिनोट करता है, जैसे अर्दी पचूली हो गया, उसका एक कंपोनेंट है एक ही गला वुड का, फिर आपको कुछ एगर वुड का एक आपको हिंट मिलेगा, और एक पेपरीनेस मिलता है दोस्तों। तो ये तीनों मिलके एक ही गला वुड बताते हैं। एगर वुड यानी कि ऊद होता है दोस्तों, लेकिन ऊद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है उस एक ही गला वुड के कंपाउंड में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी सारे परफ्यूम्स यूज़ किए हैं जिसमें क्विंटन बिश ने एक ही गला वुड का यूज़ किया है, तो मुझे किसी में भी एक प्रोमिनेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग ऊद का नोट मुझे नहीं मिला। हाँ, पेपरीनेस ज़रूर मिला है और एक अर्दी पचोली का नोट ज़रूर मिला है, एक वुडी नोट ज़रूर मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ऊद डिटेक्ट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि बेस में यहाँ पर एक ही गला वुड का भी यूज़ किया गया है। तो एक दोस्तों वो एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है जिसको जीवदान ने बनाया था, और ये जो क्विंटन बिश है ये जीवदान के साथ जुड़े हैं। जीवदान दोस्तों एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक कंपनी है। अभी जैसे कि मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड कोई भी एक परफ्यूम कंपनी है, उनको एक परफ्यूम बनाना है लेकिन उनके पास कोई पर्याप्त रिसोर्स नहीं है, यानी कि कोई मास्टर परफ्यूमर नहीं है, या फिर कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, और कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे उनको कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हों जो कि थोड़े से अलग हटके हों, तो वो जीवदान के पास जाते हैं, और जीवदान के पास बहुत सारे परफ्यूमर हैं, क्विंटन बिश भी उस जीवदान का पार्ट है। और दोस्तों जीवदान सिर्फ फ्रेग्रेंस ही नहीं बनाते, उनका मतलब ये सिर्फ परफ्यूम्स नहीं बनाते, उनका काम पूरे फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे सपोज़ करिए कि किसी को डिटर्जेंट में कुछ स्पेशल फ्रेग्रेंस चाहिए, कुछ स्पेशल नोट्स चाहिए, तो वो जीवदान से हेल्प लेते हैं कि आप हमारे सपोज़ कीजिए कि डिटर्जेंट है, उसके लिए आप हमें एक अच्छा सा कोई फ्रेग्रेंस सजेस्ट कीजिए। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जीवदान अलग अलग लेवल पर काम करती है। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर मैं इसके नोट्स को यानी कि इसकी खुशबू को अगर मैं समझाना चाहूं, तो ये ओपन होता है एक सॉल्टीनेस के साथ। आप सॉल्टीनेस में आप समझिए कि आपने अंजीर के खुशबू को मिला दिया है। अंजीर यानी कि एक फिग, आपने देखा होगा एक फ्रूट होता है अंजीर, वो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो सॉल्टीनेस यानी कि आपने फिग पे कुछ नमक सा कुछ मिला दिया है, आप उसको फिर टेस्ट करके देखिए, स्मेल करके देखिए आपको कैसा लगता है, तो कुछ उस तरह का नोट्स आपको मिलेगा। एक सॉल्टीनेट, एक खारापन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, और ये खारापन मुझे EDT इंटेंस में भी मिला है और मुझे EDP में भी मिला है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रांजिशन करता है लेदर की तरफ, तो इसमें मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लेदर का नोट लगता है, जो कि मुझे लगता है एक इसको फॉर्मल टच देता है इस परफ्यूम को। और बेस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक ही गला वुड मिलता है। एक ही गला वुड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पचूली, लेदर एंड फाइन एगर वुड, यानी कि उसमें तीन नोट्स का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। और मुझे इसमें पेपरीनेस लगता है जो कि इसमें एक स्पाइसीनेस इसमें ऐड करता है। तो समझिए कि कुछ इस तरह का इसका नोट्स आपको मिलने वाला है। और बात यह है कि ये थोड़ा सा मैच्योर मैन की तरफ लीन करता है। सपोज़ कीजिए कि आप थोड़े से सीरियस या फिर मिस्टीरियस नेचर के हैं, थोड़े से मैच्योर साइड के हैं, तो शायद हो सकता है आप इसको इन्जॉय करें। ये मास प्लीज़र परफ्यूम नहीं है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहली बात ये बता देता हूँ। ये आप समझ रहे हैं कि आप इसको लगा कर वेयर करके कहीं ऑफिस में जाएंगे या फिर कैजुअल आउटिंग्स पर जाएंगे, तो हो सकता है कि किसी को पसंद आए, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सबको पसंद आए। ये कुछ इस तरह का परफ्यूम है, कुछ लोग आपकी तारीफ़ भी कर सकते हैं कि आपने क्या लगाया है, तो कुछ लोग को ये बिल्कुल ही नाक को चुभने वाला परफ्यूम बन सकता है। दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो परफ्यूम है हाई हीट का परफ्यूम मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो लेदर का जो नोट है मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लॉइंग हो जाएगा अगर आप हाई हीट में इसको वेयर कर रहे हैं। 36-35 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर है तो आप वेयर कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट सन में नहीं। आप अगर टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हैं तो आप उसको वेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट आप फ़ैन के नीचे ही हैं, आप बिल्कुल सनलाइट में नहीं है तो आप इसको वेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट का यह परफ्यूम नहीं है, समर इवनिंग्स में आप इसको वेयर कर सकते हैं, फॉल विंटर के लिए मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगता है। और दोस्तों मुझे ये एक फॉर्मल वेयर वाला परफ्यूम लगता है, यानी कि एक ऑफिस सेटअप के लिए आप समझ लीजिए कि ज़्यादा बेटर है। तो मैच्योर मैन प्लस ऑफिस सेटअप, तो ये कॉम्बिनेशन इस परफ्यूम को एक फिट बनाता है, यानी कि आप एक अच्छे से फॉर्मल अटायर में हैं तो आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं।
तो ये कुछ इस तरह का परफ्यूम है, लेकिन आपको याद रखना है ये सबको पसंद नहीं आएगा, ये लव इट या फिर हेट इट वाला है। मेरे लिए ये बिल्कुल ही बिड वाला एक परफ्यूम है, मुझे ये ज़्यादा अपील भी नहीं करता और मुझसे मैं इसको ज़्यादा नापसंद भी नहीं करता, तो ये मेरे लिए एक ठीक ठाक सा परफ्यूम है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन और सियाज कैसी है, तो इसकी जो लॉन्जिविटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कपड़ों पर ये मेरे एक दिन से ऊपर लास्ट करता है, स्किन पर ये मेरे 7 से 8 घंटे तक टिकता है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, और वो भी इंडियन कंडीशन में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज के टाइम में आप देखेंगे कि नॉर्थ साइड में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो वहाँ पर ये मेरे स्किन पर 7 से 8 घंटे तक परफॉर्म किया, तो इसको मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मर है। और आप इंडिया में अगर 40 डिग्री से ऊपर कोई परफ्यूम परफॉर्म कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये कैसा परफॉर्म करेगा, तो आप समझ सकते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूँ तो 2 से 3 घंटे का मुझे काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्शन लगता है, और एक सेंट ट्रेल भी काफ़ी अच्छा क्रिएट करता है ये, लेकिन सेंट ट्रेल अच्छा क्रिएट करता है, पसंद आएगा या नहीं आएगा ये मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है, किसी को हो सकता पसंद आए, किसी को बिल्कुल ही ना पसंद आए, किसी को ठीक ठाक सा परफ्यूम लगे, तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिए इसको लेने से पहले। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका डीकैंट भी ट्राई कर सकते हैं। डीकैंट आपको कहाँ से लेना है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको डीकैंट का एक लिस्ट मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि इसको ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया परफॉर्मर है, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग भी है, एक अच्छा सियाज भी क्रिएट करता है, और प्रोजेक्शन भी इसका ठीक ठाक है, तो मुझे एक अच्छा परफ्यूम लगता है परफॉर्मेंस वाइज। बस ये है कि थोड़ा सा सिंथेटिक है, तो बिल्कुल ही नेचुरल नोट्स आपको नहीं मिलेंगे इस तरह के इस प्राइस रेंज में। और हाँ, इसकी मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो कभी कभी आपको सेल में, यानी कि मैंने इसको SS ब्यूटी ऐप से लिया था, तो वहाँ पर आपको लगभग ये, अगर आप सेल की बात करो तो लगभग 6000 के आसपास आपको 110 ml आ जाएगा। विदाउट सेल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसको बाय करें। मैं आपको एक और कुछ रेफरेंस दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, इसका टेस्टर या फिर इस तरह का कुछ रिटेल यूनिट आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसको एक ओवरऑल 5/10 का रेटिंग देना चाहूँगा। ये बुरा परफ्यूम नहीं है और ना ही ये बहुत अच्छा है। 5/10 मैं, आप इसको ये मत समझिए कि मैं इसको काफ़ी ज़्यादा कम नंबर दे रहा हूँ, ये और ज़्यादा डिज़र्व करता है, बेशक डिज़र्व करता है, आपके लिए कर सकता है और किसी के लिए ये 1 या 2 भी कर सकता है। मेरे लिए ये 5/10 है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन परफ्यूम के मामले में मैच नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी स्किन केमिस्ट्री अलग होती है, सबका सेंस ऑफ स्मेल अलग होता है, और सबको, सबके लिए दोस्तों फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस करना, महसूस करना, ये सबका एक पर्सनल चॉइस है, पर्सनल टेस्ट है सबका, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए 5/10 है, मेरे लिए है। आप इसको पहले टेस्ट करिए, हो सकता है आप मॉल में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ इसका सैंपल मिले, तो आप टेस्ट करिए। आप 5 ml डिकैंट से ही आप स्टार्ट करिए, इसको समझिए, अगर आपको पसंद आए तो आप इसका फुल वर्जन की तरफ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू केंजो होम EDP का, उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।